मंगल मैत्री टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा रिवीजन टॉपिक है हमारे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जहां पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट आर मैग्नेट्स। तो अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नेट की, तो जनरली यहां पर हम लोग मैग्नेट में सबसे पहले स्टडी करते हैं बार मैग्नेट को। अगर बात करते हैं बार मैग्नेट की, किस तरीके का डायग्राम होता है बार मैग्नेट के लिए, तो कोई भी ऐसा एक मैग्नेट जिसके पास दो पोल प्रेजेंट हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेट को आप लोग जितने छोटे से छोटे पीसेस में काटेंगे और जितनी बार काटेंगे उतनी ही बार उसमें दो पोल्स निकल के आते हैं, जिसमें एक रहता है हमारे पास नॉर्थ पोल और एक रहता है हमारे पास साउथ पोल। तो मैग्नेट वो सब्सटेंस है जो किसी भी एक मेटल को, फॉर एग्जाम्पल निकेल, आयरन, कोबाल्ट या फिर एलॉय, इस टाइप के कुछ सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, नंबर वन। एंड नंबर टू, मैग्नेट के पास दो टाइप के पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल होता है एंड साउथ पोल होता है। यहां पर जो डायग्राम हमने शो किया है ये बार मैग्नेट का डायग्राम है। इसके अलावा भी हमारे पास एक मैग्नेट और है, उसके अलावा भी मैग्नेट होते हैं, लेकिन यहां हम लोग दो मैग्नेट स्टडी करेंगे, बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमारे सेकेंड टॉपिक की, मैग्नेट से किस टाइप का इफेक्ट जनरेट होता है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, जिसको हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये आप लोगों के बुक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से भी लिखा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक मैग्नेट के आसपास का वो एरिया, जिस एरिया के अंदर आने के बाद कोई भी एक मैग्नेट, कोई भी एक मेटल उस मैग्नेट से अपने ऊपर अट्रैक्शन फील करवाएगी, वो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे हाथ में एक मैग्नेट है और हम उसके पास में दूसरा मैग्नेट लेकर के आ रहे हैं। अगर वो मैग्नेट जो हम लोग अपने हाथ से उसके पास लेकर के आ रहे हैं वो अट्रैक्शन फील नहीं करवा रहा है, तो इसका मतलब अभी वो स्टेबल मैग्नेट के फील्ड के अंदर प्रेजेंट नहीं हुआ है। धीरे धीरे जब हम लोग उसको पास लेकर के आएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसकी तरफ अपने आप ही खिंचा चला आएगा। तो उसका रीजन क्या है? अब वो स्टेबल मैग्नेट की फील्ड में प्रेजेंट हो गया है, तो वो फील्ड जहां पर प्रेजेंट होने के बाद उसने अट्रैक्शन फील किया है उसको हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हर एक मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट पर, मैग्नेट कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना ज्यादा वीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में यूज होने वाला फ्रिज जो होता है उसके अंदर एक वीक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लग रखा है, क्योंकि वो बहुत कम एरिया को कवर कर पाता है। वहीं अगर बात करते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले मैग्नेट्स की, तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उनका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है मैग्नेटिक फील्ड जो है डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट किस तरीके का है। अब यहां पर हमारा थर्ड पॉइंट है मैग्नेटिक लाइन्स। जिस तरीके से हम लोगों ने स्टडी किया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। तो आपने ध्यान रखना है ये हमने शो किया है बार मैग्नेट को। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं पोल्स पर, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे पोल्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पोल से पोल मूवमेंट करती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, तो मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है। ध्यान रखना है मैग्नेट पर मूवमेंट हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक होगा, तब जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड है किसी भी एक बार मैग्नेट के, यानी कि बार मैग्नेट पर अगर हम लोग प्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को, तो आपने ध्यान रखना है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूवमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का। ये तो थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब यहां पर कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की। तो आपने ध्यान रखना है नंबर वन प्रॉपर्टी, हमेशा मूव करेंगी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। नंबर टू प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। नंबर थ्री प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा पैरेलल ही मूवमेंट करती है। नंबर फोर प्रॉपर्टी, पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बहुत पास पास होती हैं। वहीं अगर बात करते हैं मिडिल एरिया की, तो वहां पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में, लेकिन तब भी यहां पर ये पॉइंट हमेशा वैलिड रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, वो हमेशा अपना ही पाथ ट्रेवल करती है। जितने एरिया पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव कर रही है उतना कंप्लीट एरिया उस मैग्नेट के लिए उसका फील्ड होता है। तो जो हमने सेकेंड पॉइंट पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो फील्ड जनरेट होगा मैग्नेटिक लाइन से, और जहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव करेंगी वो एरिया होगा मैग्नेटिक फील्ड का।
तो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग इस चैप्टर के और टॉपिक को रिवीजन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।